What's up everyone, Heather, Tanya, welcome to an amazing video of This CHN DDX. iMovie के आज हम लास्ट सीन के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं. वेल, हमने जहाँ तक देखी है मूवी बहुत इमोशनल हो गई है. इसको यार शुरू में तो काफ़ी मज़े की लग रही थी, इंटरेस्टिंग थी, रोमांस था और हम कह सकते हैं क्रेज था. बट जितना आगे जाते जा रहे हैं इमोशनल होती जा रही है. बट एक कुछ अच्छा एंगल भी आता जा रहा है जिसमें हम देखते हैं दिया एंड लिंगसन. या लिंगसन काफ़ी लोगों से बदला ले चुका होता है. तो आगे हम सीन पर देखते हैं आगे क्या स्टोरी जाती है. तो सीन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. अब बस तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है. अपनी माँ को तुम ही बचा सकती हो. ये मेरा बेटा आरव है. मुझे दिया बहुत पसंद है आंटी. मैं उससे शादी करके बहुत खुश रहूंगा. ओ, अच्छा रिश्ता. तुम्हारा शुक्रिया बेटा. मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? बहुत से लड़के देखे मैंने, पर कोई भी ली और दिया के रिश्ते की वजह से उसका हाथ थामना नहीं चाहता था. इस सब में क्या रखा है आंटी? मुझे बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं है. हम सब यहाँ सगाई के लिए है, यही जरूरी है. मुझे उस पर विश्वास है. ओ, उसका तो रिश्ता मिस्टर ली की रिपोर्ट आ गई. इसके एक्सरे की रिपोर्ट देखो, पूरी बॉडी दिखा. Final observation, H2N. जैसा ली, मुझे मरीज का बॉटल देखना है. वो कुछ दिनों पहले एक कार दुर्घटना में मारा गया. न्यूज में आया था, मर गया. बेचारा ढोंगी साला. बातें तो हीरो की तरह कर रहा था कि मुझे कल से कोई लेना देना नहीं है, और आज कॉल किया मुझे, बोला अंकल मुझे प्रॉब्लम नहीं है. पर मेरे सारे दोस्त ली और दिया इतने दिनों से साथ साथ थे, तो उनके बीच तो सब कुछ हो ही गया होगा. दिया को बताए बिना मेडिकल टेस्ट करके अगर आप बोल देंगे कि वो कुंवारी है तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे. घिनौने लोग. मुझे लगता है ये इसी की साजिश है. छोड़ो इसे, आरव नहीं तो गौरव मिलेगा, बहुत लड़के मिलेंगे. अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो मैं खुशी खुशी उसकी शादी करवा देता. खैर छोड़ो, बाद में देखते हैं. छोटा भाई क्यों? आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते डॉक्टर? ये आप क्या बोल रही है? मैंने उसे तब से देखा है जब से एक बच्ची है. मैं सोच भी नहीं सकता ये आप क्या कह रही है. कितना तेज है. किसी और को देखते हैं. जो भी आएगा वो भी यही बात बोलेगा. आप ही हमें समझ सकते हो, यही ठीक रहेगा. इसके बारे में सोचिए डॉक्टर. इसमें सोचने की क्या बात है डॉक्टर? क्या लिंगसेन, तुम भी बिना सोचे बोल रहे हो. आपके लवा दिया खौर, कोई भी ठीक से ध्यान नहीं रख सकता है डॉक्टर. नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ लिंगसेन? डॉक्टर प्लीज. लिंगसेन बोल दो डॉक्टर. लिंगसेन ये क्या है? उसकी शादी हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी. So bad. मैं चैन से मर सकूंगा डॉक्टर. लिंगसेन, लिंगसेन उठो यार. उधर से डॉक्टर को वो न्यूज में इन्होंने जो झूठी न्यूज बताई है ना कि वो मर गया है. हाँ. उधर से उसको वो न्यूज में मिल चुकी होती है. क्योंकि वो दोस्त तो इसलिए लेके जाता है क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है, वो सरकारी अस्पताल में ले जाता है, डॉक्टर टेस्ट कर लेता है. हाँ. तो आई होप कि इनका कॉन्टेक्ट हो जाए उस डॉक्टर से. सबने बोला तुम मर चुके हो. रुको, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है. तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, यह एक वायरस है. वायरस? मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, यह बीमारी या जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है. खतरनाक वायरस है, बहुत रेयर है. यह छूने से फैलता भी नहीं है. किसी ने तुम्हें इसका इंजेक्शन लगाया है. कल घर आके मिलो मुझसे. यानी ये लेबोरेटरी में तैयार हुआ हुआ वायरस है. हाँ. जिसके बॉडी में इंजेक्ट किया, क्योंकि वरना लग जाता है इससे दूसरों को भी, दूसरों से इसको भी.
इसको अब याद आया ना? हाँ, कि मुझे मारा था जब जॉन ने। ये याद है? वो जॉन के साथ यही था, बॉडी बिल्डर। तो अब ये देख रहा है कि दिया के घर में ही काम क्यों कर रहा है, क्योंकि शादी का काम ही कर रहा है ना। Hey, cheers. Oh, पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ पे। तो चलो नई बोतल खोलते हैं। Hey, कौन है ये? बाहर भेजो उसे। दिखता नहीं है? मिस्टर तमिलनाडु, मॉडल नंबर वन। देखो कैसे सिकुड़ कर कुबड़ा हो गया है। So bad. कितना ऊंचा उड़ रहा था, अब नीचे गिर गए हो। क्या किया तुमने मेरे साथ, बताओ मुझे, बताओ मुझे। है तूने हमें चूना लगाया, इसलिए सब ने मिल के तेरी मार दी। चल अब दिखा पहुंच करके। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था ना, मेरा सच्चा प्यार तेरे लिए घिनौना था ना। आप देख खुद को, तू बड़ी घटिया इंसान होती है, बहुत बुरी औरत। तूने कहा था मेरे प्रोडक्ट के लिए पोज नहीं करेगा, अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट के लिए पोज करेगा? सॉरी सिस के लिए। मेरा मार्केट खाली कर दिया था तूने, अब उसी मार्केट में जाके भीख मांग। अम्मा भीख दे दो, भगवान के नाम पे भीख दे दो, भैया कुछ भीख दे दो, दे दो दीदी, आप भी कुछ दे दीजिए ना। डॉक्टर लिंगसन, चुप रहो तुम लोग, बेचारा तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तुम जाओ लिंगसेन। डॉक्टर, डॉक्टर, इन सब ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है, इन्होंने मुझे कुछ इंजेक्ट कर दिया है। ए, ये इंजेक्शन तुझे इसने ही दिया है? प्यार से धीरे धीरे बोलने से आलोक ना समझ लिया क्या? यही तो है मेन विलेन। प्यार से धीरे धीरे बोलता था, बहुत बुरा है। मम्मी, थैंक यू डॉक्टर। अभी बता रहे दिया, अंकल मत बुलाओ। बताओ कैसा है? अच्छा है। अपने दिल की धड़कन सुनोगी? इसने इसके ऊपर कॉलेज टाइम से नजर रखी होती है। मूवी के स्टार्ट में दिखाते हैं ना, वो इन्हें उठा के लेके जाते हैं। वो ये शादी के बाद ये अभी ले जाएगा, लेकिन दिखाया शुरू में था ना। बाय। ए, आज तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या है वो? ए, मारूंगी दोबारा नहीं। हे, बाय। ये बुड्ढा, वो तो अपनी एज के ना। क्या करेगा? स्टार्ट। वो जब से 10 साल के थी, जब से बस मेरी ही है, और तू उसे बीच में आके उड़ा ले जाएगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। हाँ, किसी का हाथ उसे छुआ तो जला दिया, तेरे तो पूरे शरीर ने छुआ उसे। हाँ, कैसा लगेगा मुझे? अच्छा, जब ये डांस कर रहे थे क्लब में, तब भी नहीं बर्दाश्त कर सक रहा था। हमें साथ काम करना चाहिए। ये ज्वाइन कर लेते हैं। हमें उसे तड़पाना होगा। क्या उसे मर दे? बहुत आसानी से मर जाएगा, इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए, उससे भी ज्यादा करना होगा। उसके पैर तोड़ के
व्हीलचेयर भी बिठा देते उसे, उससे भी ज्यादा उसका सिर फोड़ देते हैं, कोमा में चला जाएगा। इस सबकी वजह से खूबसूरती है। चलो फिर उसे खत्म करते हैं, उसे खत्म करते हैं। उसकी बॉडी, क्या बॉडी है, उसको बर्बाद कर देंगे। अपमान से सर झुका दो उसका, ऐसे रैक करते हैं। मैंने चाइना में कोशिश की थी, बच निकला साला। यही करवाता है वो चाइनीज। उससे भी ज्यादा। तुम सिर्फ उससे भी ज्यादा बोल रहे हो, क्या है उससे भी ज्यादा, है ना? आई आई इन्फ्लुएंजा वायरस H4N2 बहुत खतरनाक। ये स्विट्जरलैंड के रॉल्फ जीनोमिक्स रिसर्च सेंटर पे है। अगर उस वायरस का एक इंजेक्शन लिंसेन के शरीर में लगा दो, वो तो बेमौत मरता रहेगा। फैंटास्टिक, क्या मुझे आइडिया पसंद आया। वायरस लाना मेरा काम है। इसको मारना है तो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। तो पांचवा पार्टनर भी आ गया। हाँ, यहाँ पे दिखाते हैं ना कि फाइटिंग कर रहे होते हैं और बस उसके बाद गाड़ी में बिठा देते हैं, तो बीच का सीन आप बताएंगे। ये अच्छा, वो सही विलेन का करेक्टर किया इसने तो। जैसा कि तुम चाहते थे, कल हमारी शादी है और आज बैचलर पार्टी। आओ हमारे साथ एंजॉय करो लिंकसेन। कमीने हरामी, कमीने कही के ये मार भी नहीं सकता। क्या गलती थी मेरी, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम लोग गलत थे तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, इसीलिए मुझे ये सजा दी। तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया है, इससे अच्छा तो मुझे तुम लोग मार ही देते। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोग को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। कुबड़ा शपथ ले रहा है। उसे खड़ा नहीं हो रहा। लगता है कि बूढ़ी औरत बदला लेगी हमसे। हाँ, क्या कर लेगा बे, ना तो पूरा है और ना आधा। अब क्या पुलिस के पास जाएगा? हाँ, तू मर चुका है ये तो पता ही होगा तुझे। तेरा डेथ सर्टिफिकेट मैंने ही तो दिया था तुझे। बहुत हुआ दोस्तों, वो मर जाएगा। कल मेरी शादी है, आज कोई मना नहीं चाहिए। रवि सर, इसे रस्सी से बांध कर अंदर फेंक दो, कल शादी के बाद इसे हम मार देंगे। बॉडी को जलाकर हड्डियों का चूरा बनाकर कहीं नाले में फेंकवा देना। समझ आई, इसने वो कांच में डाल दिया था। अच्छा। कि बाद में मैं रस्सी खोल सकूं। शुक्र नहीं करता। ये फिर बताता है।
स्टोरी बताया आपको। लिंकेसन। ओ, तो बेहोश हो गई। स्टोरी ऐसी दर्दनाक है। I guess ये ad है। मेलबेट कैसीनो पे खेलो और जीतो सब कुछ अपने स्मार्टफोन पे। ये देखो ये मेरे ख्याल से ये पहला वो जो रहते थे ना बाकी। अच्छा हाँ देखा कैमरा में। डॉक्टर डॉक्टर ने तो देख लिया। hey, पकड़ो से। मुझे लगा इसके पास हथियार होगा कुत्ते के बिस्किट। ए पकड़ो इसे। ये बदला तो नहीं ले सका। दिया को कहाँ छुपाया तूने? बताओ मुझे कहाँ है? बताओ मुझे कहाँ है दिया? चाहता था यही। कैमरे लगे हुए थे खुद तो कुछ नहीं कर सकता था। हेलो बेरा रो 5 रोज जल्दी घर पे जाओ। वो कुत्ता के जाने के बाद जो इंजेक्शन लगाता है ना उसने बम हुआ है। किसी को पछाड़ते बिल्कुल नहीं देख सकती। वो मेरी किस्मत है। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। रो मत। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो लिंगेसन? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी लिंगेसन हमेशा के लिए। नहीं दिया ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे भी हो तुम मेरे हो लिंगेसन। वो लिंगेसन मर चुका है। मैं तो कुबड़ा हूं। रुकिए कौन है आप? प्रेस है सर। प्रेस? ए ये क्या तेल में तले भैंसे की तरह पड़ा है जिसको जला के बचा देता है बॉडी बिल्डर बन गया है। ए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तू च्युइंगम चबाए जा रहा है? ओ जबड़ा हिल गया क्या? यू डिजर्व दैट। मैं बजाते रहो पत्रिका से आया हूँ जिसके एडिटर है लिंगे सर। आई एम रिपोर्टर रेले।
मैं जले हुए जख्मों पर नमक छिड़कने आया हूँ। मैं क्या था और क्या हो गया, कवर स्टोरी के लिए फोटो चाहिए। नहीं नहीं हिलना मत, फोटो ले लूं। वो डबल आरएम बाइशिप्स वाला पोज देना। बोलिए सर, आप क्या थे और अब क्या हो गए? आपका हाफ बॉयल किसने बनाया? तड़प मत जली भी वेल मछली। चलो सर, उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? चलो आ जाओ, हमें बयान लेना है। यहाँ ना बाबा जान यार बता सर, आप खाक में आन लेंगे। देखिए सिर्फ हवा निकल रही है। अब मैं चलता हूँ तंदूर रवि, चलता हूँ सर। सॉरी रॉन्ग नंबर। ओह ये वो राइट नंबर है। ए ए ए रुक 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 रुक, वो तेरी, ये तो बन मानुष है। ओ शट अप, मैं कोई बंदर नहीं हूँ। तू क्या छुछुंदर है? मैं ओस्मा हूँ। ए ओस्मा, ये क्या हो गया तेरे को? हाँ फेस वॉश के पकोड़े खाया क्या? नॉनसेंस, यहाँ से बाहर जाओ। आउट आउट बजाते रहो, पते कैसे आया हूँ। मैं क्या थी और क्या हो गई, कवर स्टोरी के लिए मस्त फोटो चाहिए। प्लीज कोऑपरेट। नो नॉट इंटरेस्टेड, आउट। ठीक है, फोटो नहीं तो एक इंटरव्यू दे दीजिए। सुंदर से मुखड़े को बूट पॉलिश का ब्रश कैसे बनाया? ओसमा कुछ तो बोलो मेरी माँ। तुम्हें देख के काजरी के भूत भी डर जाएंगे। बड़ी डरावनी शक्ल है। हेलो, क्या कह रहे हैं इंद्र कुमार सर? मधुमक्खी के काटने से उनके वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा सर। ओसमा से कुछ भी पूछो तो वो डर के मारे चीखने लगती है। सॉरी सर, कोई भी प्रोग्रेस नहीं है सर। फूल गया है। ये क्या है बे, ट्रक से गिरे आलू के बोरी की तरह पड़ा है। आइसक्रीम की फैक्ट्री बंद हो गई तो पानी का ठेला लगा लिया क्या? भाई बॉडी से बबल गम फुलाने वाला है, प्रेस से हूँ। देख मैं क्या था और क्या हो गया, कवर स्टोरी छाप रहा हूँ। बोलिए सर, आप पहले गणपति बप्पा थे? आपकी बॉडी पर ये लड्डू कहाँ से आ गए? पहले कुवार जैसी शक्ल थी, अब सुअर जैसी हो गई है। मारता है, सारे अंडे फोड़ दूंगा। ए सुनो, कौन हो तुम? मिशन को परेशान कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वही अंडे के छिलके, मैं चला, बाय बाय। वो खतरनाक इंसान है सर, मेरे सारे दोस्तों को क्या होलिया बना दिया, देखा ना आपने? कैसे के जान नहीं ली है सर, उन लोगों का होलिया बिगाड़ा है। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, सबका कोई तो कनेक्शन होगा। हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे सर। पता नहीं उसने सॉल्यूशन में क्या मिलाया है, बेटिंग की स्वेलिंग कमी नहीं हो रही है। हमें बचा लो। शांति शांति, कोई कैसे शांति रखे डॉक्टर? उससे भी बुरा कह कह कर कितना बदसूरत बना दिया मैं डॉक्टर। हमें फिर से पहले जैसा कब बनाओगे? बोलो बोलो, बताओ मैं, बताओ बताओ। कम डाउन प्लीज, कम डाउन प्लीज। दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके एडवांस ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो? वो क्या है ना, एक कुबड़े ने तुम दोनों के लिए कौन सा लुक सोच के रखा है, ये सोच के हंसी आ गई। हाँ इधर रहते हैं। चुप हो जाओ। अब हमें पुलिस का भरोसा नहीं करना चाहिए, हम खुद फंस जाएंगे। वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे, उससे पहले कुछ सोचना होगा। तो कहा, ये भी तो नहीं पता। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर जॉन के लिए इनविटेशन है। अगला तेरा नंबर है। किसने दिया ये? कोई प्रेस रिपोर्टर था सर, अब ये भी नीचे गया है। फ्रेंड कितना अच्छा है उसका, अलेंगे सन का। ये बहुत अच्छा फ्रेंड है यार, अलेंगे सन को कितना सपोर्ट कर रहा है। इवन वो जो बदला ले रहा है उसमें इसकी हेल्प भी कर रहा है। फिर सही बनता, बदला बनता है, बदला बनता है। और
बहुत गंदा बदला लिया, लेकिन सर ने बहुत अच्छा किया। यही चाहता था कि नीचे ना कि वो फॉलो करे मुझे, वो फ्रेंड, और ये फॉलो कर रहा है। हाँ देखा, कोई साजिश है ये। क्या जान, मौत की घड़ी सुनाई दे रही है, तो बहुत ही फट रही है तुम्हारी। हाँ हे, जानता तो मुझे नहीं मारेगा, लेकिन तुझे छोड़ूंगा ना, ये भी जानते हो ना। हे रवि को आग, ओस्मा को बाल, इंद्र को मधुमक्खी, मेरे लिए क्या रखा है? तुम तो मुख्य विलन हो ना, उससे भी बुरा। नहीं नहीं, उससे भी बुरा। मैं डर गया पहले ही। नहीं, डर कैसे खतरनाक चीज है। आखिरी बार अपना सुंदर चेहरा देख ले, अच्छी तरह से देख ले अपना चेहरा। इसकी सोच रहा पता नहीं क्या होगा। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा, रुक जा, तुझे मार दूंगा, तुझे जिंदा छोड़ के गलती की मैंने, रुक जा। पहले आया था ये मुझे। बेसिकली डॉक्टर को पता था गया ना, अब वो पता लगेगा ना। खुद ही बुलाया अपनी तरफ आवाज दे। थोड़ी सी पॉज होगी ना, पर ये मुझे लगता है जो ट्रेन वाली तरफ बुलाया है ना, साजिश ही है, क्योंकि देखो लिंकसन भाग नहीं रहा, वो इधर ही रह रहा है। वरना लिंकसन आता ही ना। हाँ लिंकसन भी ना आता और जो रिपोर्टर भी तरफ नहीं आता। ये क्यों पॉज हो रही है? ये उसकी तबीयत खराब होगी। कितना मजे का बदला लिया है, अच्छा किया। और रात के बंगले ले मस्ती कर रहा है। स्टार्ट मजे का शौक चाहिए। ओ नो शिट, वो देखो सर रस्सी काटती है। यार ये तो गलत हो गया, वो नीचे ना गिर जाए। पानी क्या? अच्छा खेल रहा था। डोंट डू दैट, टू मच मोर।
उसकी तो आंखें बंद हो गई है ना। जॉन तू तो गया। क्या कहा? उनकी कंडीशन बहुत खराब है, जल्दी आइए। ओह, देखो उसने वो बेलचा मार के बचा भी दिया इसको, ज्यादा करंट लगा के मरने नहीं दिया। हाँ। सर में दर्द हो रहा है इसको। ये क्या ये निकल आया? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तुम? मैं ऐसे ही चला जाऊंगा कहीं दूर। ये कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे और मत सताओ दिया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं हार चुका हूँ दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, पहचान नहीं है, ना ही कोई पता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। अगर मेरा हाल ऐसा हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? आओ मेरे साथ। कहाँ चले? हम दोनों इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। ए, दिया, दिया। बेचारों का कितना बुरा हाल। दिया नहीं दिया, गाड़ी रोको। दिया मेरी बात सुनो, गाड़ी रोको। दिया खुद ब्रेक तो आ रहा है। नहीं ब्रेक तो आ रही, उतरो। सिर्फ मैं और तुम, यहाँ कोई नहीं आएगा, सारी जिंदगी ऐसे ही साथ चलते रहेंगे। कितनी इमोशनल स्टोरी है ये। ये कौन है? जॉन है कि जरा हुआ बौना? मैं बजाते रहो, पत्रिका से आया हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं क्या था क्या हो गया? सीजन टू के लिए कवर करने आया हूँ। तो बताइए, आप पहले मॉडल नंबर वन थे, अभी मटन का कबाब पहन के आया लगते। ट्रेन रोकने के चक्कर में इलेक्ट्रिक तार ने खींच लिया था क्या?
ये कहा हर बार चरवाहे की तरह बकरी बुलाने के लिए बक बक कर रहा है, ए बत्तख की तरह खाता जा रहा है। रुकना, मेन विलन कहाँ है? मेन विलन, असल विलन ये रहा। डॉक्टर का हाल देखो, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर था उसी हॉस्पिटल में पेशेंट बन के आया, ये मेडिकल मिरेकल है। कैसा मुखड़ा है रे, जैसे इमली का टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा। कितना खूबसूरत है रे तू, शर्म से वो लाल हो गया। और ये क्या है तेरा पैर, यह जोर से बांधा हुआ गद्दा, इस पर कुछ पहन नहीं सकते क्या? ए सच्ची बोलना, छड़ी के भी नहीं लेटा है ना? कुत्ते की तरह। ए सुरंग जैसी सर वाले, ये सब कुत्ते के गड्ढे से हुआ क्या? ये उससे भी बुरा है। उससे भी बुरा है। मेरा रहा पास डोज। ठीक है सर। Yes. Hey, कौन है? क्या कर रहा है? Oh. दो मेडिसिन चेंज कर देते हैं। हाँ, कुछ और डाल देता है। ये रहा भाई, इधर चोर है, जल्दी निकलो इधर से। ये तो अब खुद इंजेक्ट करेगा अपने आप को। ये तूने हमारी अंडा करी को 5 दिन तक 5 बार मजा लेके खाया है। तूने वायरस लगाया था ना, ये उसका बदला है, बहुत बुरा है। छोड़ दिया बंदा इसी तरह, पर वो देखो उसने जो ही उसको मारने के लिए उठा, उसको लगता है ये पकड़ेगा उसको करंट लग जाएगा। हाँ। और उसे उसी जगह पे उठा और पकड़ा उसको, तो करंट लग गया, उसके बाद बेलचा मार के उसको नीचे गिरा दिया कि ये यहाँ से जिंदा बच जाएगा, लेकिन जला हुआ। बट ये दिखाया है आई गेस, ये उनका घर दिखाया है ना, क्योंकि लिंगेसन को चाइना में दिखाते हैं, बहुत पसंद होते हैं फूल और ये एरिया। हाँ, उसको इस टाइप का एरिया पसंद होता है। तो उसी टाइम में ली ओह अच्छा, दिया कहती है हम अपना घर भी इसी तरह बनाएंगे और बना दिया। हाँ। डॉक्टर हाउ स्वीट, ये इसी के साथ रह रही है। हाँ। उसका इलाज करवा रही है साथ साथ। चलो कोई बात नहीं है कि दिया अपना प्रोफेशनल मॉडलिंग का करियर स्टार्ट करके और साथ एज अपनी मैरिड लाइफ हस्बैंड इसके साथ गुजारे, क्योंकि वो भी तो टॉप की मॉडल होती है ना। हाँ। स्वीट। इसको समझ आया कि मुझसे अच्छा नहीं बना, बट ये कह रहा बहुत अच्छा है। उसको समझ आ गई। बस ऐसे ही। हाँ। ओह स्वीट। ऊपर बस बस हो गया बस। आप बस और थोड़ा ऊपर बस। बहुत बढ़िया, देखो बहुत हद तक उसी कमर ठीक भी कर दी एक्सरसाइजेस। हाँ। मिल गया उसको और उसको इससे भी खुशी मिली। बात लेंगे सर, बहुत अच्छा। आयुर्वेदिक वो जो नहीं होता, हर्बल ट्रीटमेंट्स, हर तरह के ट्रीटमेंट्स, हाँ, मेडिकली भी, आयुर्वेदिक भी, हर्बल भी, एक्सरसाइजेस भी, योगा भी, ऊपर से जैसे हम टाइम दे रही है इसको। स्टेम सेल थेरेपी दे रहे हैं।
अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। डिनर कैंडल लाइट डिनर काफी रिकवरी है ना। अच्छा चलो पोज बनाओ। वो ऐसा ही पोज वी कैन से 50% रिकवरी, बल्कि 50% से भी ज्यादा रिकवरी हो गई है। 60% अब आगे भी होती ही जाएगी। हाँ नाइस। I guess ये end हो गया ना। Okay, such a amazing and romantic and emotional story. मुझे तो इसके end के ऊपर रोना आ गया था, जिस तरह से लीक की story दिखाई है। और मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगा ना, मुझे दिया का character last में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखा जाए ली अपना बदला ले लेता है ना लिंगसन, और सबसे last पे देखो अगर हम ये भी देखें ना कि इसने बदला भी बड़ी sequence से लिया है, सबसे लास्ट में उसी को मारा जो मेन था, उसके उससे पहले उसी जॉन को मारा जिसने एसिड अटैक भी करवाने की कोशिश की, और इसी ने ज्यादा मारा उससे पहले वो जो तेज जला दिया। तो बहुत अच्छा किया, मुझे तो पांचों के ऊपर कोई वो नहीं हुआ, कोई मुझे बिल्कुल मैं इमोशनल हुआ, मैं इमोशनल हुआ था। अरे वैसे मुझे ली का इसमें जो ली का करेक्टर दिखाते हैं ना, ली के जो सपोर्ट करने वाले दो होते हैं ना, एक ली का फ्रेंड एंड इसका इसकी जो पार्टनर होती है दिया, ये बहुत लॉयल होते हैं। इवन जो फ्रेंड होता है वो ली की इस कंडीशन के बाद भी इसको नहीं छोड़ता, इसके साथ मतलब होता है कंधे से कंधा मिला के चलता है, इसकी हर चीज में वो सपोर्ट करता है। दिया भी इसको नहीं छोड़ती, और दिया अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि मेरी वजह से हुआ है, एक sort of कह सकते हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर होता है वो दिया को हासिल करने के लिए इसको चाहता है, और दिया खुद इसको इस फील्ड में मीडिया फील्ड में लेकर आती है क्योंकि उसको चाहिए होता है। तो वो दिया अपना इस पर्सपेक्टिव से सोच रही होती है, लेकिन ली कहता है नहीं ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, होना था, तुम अपने आप को ब्लेम ना करो। और कितनी इमोशनल स्टोरी है, ये कह रहा होता कि तुम चली जाओ, मैं उस डॉक्टर से तुम्हें बचाना चाहता था, अब तुम जाओ मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। तो वो कहती है कि अगर ये मेरे साथ हो जाता तो मुझे छोड़ देता। वो कहता है नहीं मैं तो कभी ना छोड़ता, कहती फिर मैं कैसे छोड़ दूँ। तो और वापस अपने इस घर में आके छोटी सी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट हर्बल ट्रीटमेंट से 50-60% रिकवरी हो जाती है। और डेफिनेटली ये स्टोरी है कि आगे इनकी तो रिकवरी होगी, उनकी रिकवरी भी नहीं है। वेल एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि मूवी मुझे बहुत इमोशनल लगी है, बहुत रोमांटिक थी, इमोशनल थी, बट एट द सेम टाइम पे इंसान को सुकून मिलता है जो इसने बदले ले लिए। बहुत मजा आया, और मूवी भी बहुत मजे की थी, जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक पूरी पैकेज फिल्म थी, हर तरह का इसमें आपको कंटेंट मिल रहा है, थ्रिल कॉमेडी सब कुछ है। आपका जो ओपिनियन है इस मूवी से रिलेटेड वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को भी शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखते हैं अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को बनाए लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।